होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारे रंग से खेलिए, खूब सारा रंग आपके जीवन में आए, खूब सारी खुशियां मनाइए, खूब सारी मिठाई खाइए,
और एक बात का इस बार खास तौर पे ध्यान रखिए कि इस बार जो है पानी की बड़ी किल्लत चल रही पूरे देश में, तो आप जो है पानी का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि गांव में किसानों के पास पानी रहे और शहर में भी लोगों के पास पानी पहुंचे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि पानी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, उसके अलावा खूब सारे रंग लगाइए और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐसा सीन रहा कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी जो बिटिया है चकुरिया, वो हम घर में सभी सदस्यों के चेहरे पे सुबह से ही खूब सारा रंग लगाए देती है। तो हम जब उठते हैं सुबह सुबह तो देखते हैं कि कस्तूरी के भी चेहरे पे रंग लगा है, इमली के भी चेहरे पे रंग लगा है, तो वो हमका देख के हंसते हैं और हम ऊ का देख के, को क्या है कि हमका मालूम नहीं है कि हम दोनों के चेहरे पर बहुत सारा रंग है। फिर हमको पता लगता है कि हम सबके चेहरे पहले से ही रंगे हैं, फिर हम सोचते हैं किसने की होगी ये शरारत, फिर हम चकोरिया को ढूंढते हैं, फिर चकोरिया को ढूंढ के इमली उसके मुंह पे खूब सारा रंग लगा देती है। लेकिन फिर जैसी कहानी चल रही है, कहानी को वीव करने के लिए वो जो इमली है वो बहुत नाराज हो जाती है, जैसे ही चकोरिया उसका दोबारा रंग लगाती है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो चकोरिया कहती है कि माई और बापू तो चिंता नहीं करा, हम जल्द ही अपनी बहन को फिर से संभाल ली हैं और मना ली हैं। अगर हम असली ज़िंदगी की बात करें तो मैं हर साल होली मनाता हूँ, खूब सारी मिठाई खाता हूँ, थोड़ी ठंडाई पीता हूँ और रंग लगाता हूँ। और जैसा कि एक चलन है मुंबई शहर में, हर सोसाइटीज़ में रेन डांस होता है, खूब सारा म्यूज़िक बजाया जाता है, तो वैसा ही एक प्रचलन रहा है पिछले बम्बई आने के बाद। उससे पहले जब हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे तो भी खूब 3 साल खूब धमाल करते थे दिल्ली में, सब स्टूडेंट्स इकट्ठे होके खूब सारी ठंडाई रंग और पानी से खेला करते थे। कुल मिलाकर खूब मज़े करते हैं आज के दिन। कॉलेज के दौर में चूँकि मैं हॉस्टल में नहीं रहा कॉलेज के दौर में, तो हम लोग कॉलेज में हंसराज कॉलेज में था दिल्ली में, तो हल्का हल्का ही गुलाल लगाया करते थे वहाँ पे, और फिर घर में ही अपना पिताजी को माताजी को हल्का सा रंग लगा के अपने भाई बहनों के साथ, और फिर जो वहाँ पे गली मोहल्ले का हिसाब किताब है तो गली में पक्के रंग लेके हम लोग निकल जाया करते थे। उस ज़माने में सिल्वर कलर और मरून कलर आते थे जो छूटते नहीं थे 5-5, 6-6 दिन, वो सब लड़कपन हमने भी खूब किया है, बट मुझे लगता है उन रंगों से बचना चाहिए। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं तब शायद काफ़ी छोटा था, मेरे ख्याल से 13-14 साल का रहा हूँगा, और मैं होली खेल के लगभग 2 बजे नहा धो के तैयार वापस ऐसे अपना दिल्ली में बालकनी होते, छोटे छोटे घर होते उनकी बालकनी में आके खड़ा हुआ था। लेकिन क्या है कि दिल्ली में हर घर मिला रहता है, तो एक छत से और बालकनी से आप एक दूसरे के घर में जा सकते हैं। तो जो हमारे पड़ोस के पड़ोस में एक बड़े से भैया रहते थे, वो खूब सारा रंग पक्का रंग लेकर आए और उन्होंने जम के मेरे चेहरे पर मल दिया जब मैं नहा चुका था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस दौरान। मेरा फेवरेट फेस्टिवल होली भी है, दिवाली भी है, मुझे बहुत पसंद है। और अब चूँकि हम बम्बई शहर में रहते हैं तो मेरे कुछ क्रिश्चियन मित्र हैं, वो क्रिसमस पे एक लंच रखते हैं बहुत बढ़िया सा खाना, और मेरे एक इमरान फ्रेंड हैं वो ईद पे अक्सर अपने घर बुलाते हैं, तो उनके यहाँ पे सेवैयों की दावत और फिर बिरयानी की दावत बड़ी मज़ेदार रहती है। हाँ, मुझे मतलब खाने पीने का और धमाल का मौका हो तो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऑडियंस को आगे क्या देखने मिलेगा? उड़ान में बस ऑडियंस से यही गुजारिश है कि आप हमारे शो से जुड़े रहिए, हम रोचक से रोचक कहानी और रोचक से रोचक चीज़ों को लाने की, इस कहानी में पिरोने की भरसक कोशिश करते रहेंगे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, बहुत एंजॉय कीजिए, आई थिंक इट्स अ फन ओकेजन, कलर्स का है, ऑल इज ब्राइट, सब अच्छा अच्छा है, तो आई थिंक हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। बट आई थिंक द राइट वे, सही तरीका एंजॉय करने का है कि आप एक नॉर्मल गुलाल कलर से कीजिए जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। डोंट यूज़ वाटर, पानी का प्लीज़ बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिए, बिकॉज आई थिंक हर किसी, हमारे पास है, शहर में है लेकिन गाँव में लोगों के पास नहीं है, तो आई थिंक पानी को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, सेव्ड वाटर एंड हैव फन, मज़ा कीजिए होली में। जी हाँ जी जी, अच्छा तो किसी को नहीं लगता उठना बेसिकली, और आई थिंक मैं कभी भी अपने घर नहीं सोती हूँ, मैं हमेशा बड़ी हवेली में सोती हूँ, कमल नारायण
और उन लोगों के साथ. सो आई थिंक मैं बहुत दिनों बाद हमारे मेरे घर आई हूँ सोने. तो मेरा बस वही है कि मैं इतने दिनों बाद सोने आई हूँ और तू मुझे उठा रही है. तो बस यही, आई थिंक हर बच्चे की जिद होती है, मेरी भी जिद होती है रोज सुबह मुझे नहीं उठना है. आई थिंक जो बचपन में जो इमली थी, जो इमली की इनोसेंस थी, वो आपको दिखेगी इस एपिसोड में, इस सीन में, क्योंकि आई थिंक वो सब भूल गई. और होली एक ऐसा ही त्यौहार है, आप सबको एंजॉय करना चाहिए सब भूल कर, जैसे इमली ने किया. सब नेगेटिविटी, सब कुछ उसने हटा कर आई थिंक बच्चों के तरह रंग में खेला, हंसा और सब मस्ती किया. मुझे बहुत अच्छा लगा ये खेल कर. जी हाँ, तो आई थिंक उसने चकोर के साथ भी खेला, लेकिन एक वक्त आया ऐसे जहाँ उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो मेरी दुश्मन है. मतलब दिल से तो इमली उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन दिमाग दिल पर हावी हो गया. तो उसको याद आ गया कि चकोर उसकी दुश्मन है और उसके साथ होली नहीं खेलनी चाहिए. उसने बहुत बड़ी गलती कर दी. बस वही है, एक ड्रामा है एक सिस्टर सिस्टर का, यही है बस. जी मैं घर पे तो नहीं खेलते, मम्मा मारती है क्योंकि घर गंदा होता है. ये सब सीरियलों में अच्छा लगता है कुछ कुछ चीज़ें. वैसे तो हमारे बिल्डिंग में होता है होली का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ठंडाई होती है, कलर्स वलर्स होते हैं. एक्चुअली कुछ सालों तक पानी भी था, लेकिन अब हम सब ने रियलाइज़ किया है कि पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी. तो आई थिंक गुलाल से खेलेंगे, कुछ गरम गरम पकौड़े होते हैं बिकॉज लोगों को ठंड लग जाती है एंड ठंडाई होती है. बहुत बहुत मजा करते हैं हम बिल्डिंग वाले सब मिलकर. नहीं ठंडाई पिए, भांग नहीं पी, ठंडाई पिए, भांग नहीं पीते, गलत बात. फेस्टिवल्स एक्चुअली स्वीट की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ मैं, मुझे स्वीट से इतना प्यार नहीं. मुझे चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, वो सारी चीज़ों से, मिठाइयों से थोड़ा कम है. तो आई थिंक जो नॉर्मल आता है जलेबियाँ, एक्चुअली मैं बहुत देखती हूँ जलेबियाँ, ठंडाई, समोसे, ये सब मैं बहुत देखती हूँ. तो ये सब मैं खाती हूँ, मिठाई इतना. चुलबुली है इमली, गुंडी है. हाँ मतलब रियल लाइफ में तो यार मैं नहीं हूँ इमली, और रियल लाइफ में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल मस्ती नहीं करती, बहुत शांत हूँ. हाँ बहुत शांत हूँ मैं. नहीं आई थिंक आई फील हर किसी को एंजॉय करना चाहिए. किडिश रहो, हैव फन, जब तक किसी का हर्ट और हार्म ना करते हो तब तक आप मस्ती करो. आई थिंक आई एम लाइक दैट. जब तक मुझे लगता है अरे अब ये गुस्सा हो गया, अब ये मुझे मार देगा, मेरी मस्ती हद से ज़्यादा हो गई, तो मैं चुप हो जाती हूँ. बाकी तो मैं बहुत मस्ती करती हूँ. इमली अप डाउन होती रहती है. इमली को कभी कभी बहुत प्यार आ जाता है बहन पे, माँ पे, बापू जी पे, पर फिर वो उसको याद आता है नहीं मैं पागल हूँ, मैं सनकी हूँ, मैं प्यार नहीं कर सकती किसी को, तो फिर वो मैं वो जोन में आ जाती हूँ. हाँ वो प्यार करती है ना सूरज से, वन साइडेड लवर है, तो वो सूरज उसको जो भी बोलता है वो करती है. इसलिए बेसिकली इमली एक बंधुआ है मोर देन अ लवर. तो एक वो तो है कि यार वो मेरे मालिक है और वो जो बोलेंगे मुझे करना है. और सेकेंडली इमली एक प्यार में पड़ चुकी है पागलों की तरह, तो उसको सूरज जो भी बोलता है वो दूसरी बार सोचती भी नहीं है, मतलब उसके लिए वो सही है. तो जो सूरज बोलता है वो करती है, और क्या.